मैं आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविरंजन जी से अनुरोध करता हूं कि हिंदी भाषा को लेकर इस राजभाषा के मुख्य उद्देश्यों को लेकर आपके पास सर चर्चा करेंगे। रविरंजन जी हैदराबाद विश्वविद्यालय से है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और ख़ास तौर से प्रोग्रेसिव लिटरेचर को लेकर और प्रगतिशील और प्रगतिवादी धाराओं को लेकर सार का काम बहुत बढ़िया है और हिंदी के क्षेत्र में सार का नाम आज सर्वोत्तम है। धन्यवाद प्रोफेसर रविरंजन जी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद इसी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके, कार्यकारी कुलपति रह चुके और वर्तमान संप्रति दूरस्थ शिक्षा केंद्र के निदेशक महोदय इकबाल साहब, हमारे सहकर्मी बंधु हिंदी विभाग के मित्र और आप सब देवियों और सज्जनों, मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बातचीत करते हुए हिंदी के कवि जो कि हिंदी में भी लिखते थे और उर्दू में भी लिखते थे, ऐसी एक बड़ी परंपरा हिंदी में रही है जिसको हम लोग गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, तमद्दुन कहते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जिनकी अभी अभी जन्मशती मनाई गई, पूरे हिंदी समाज में और हिंदी जगत में बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, उन्होंने लिखा कि वो अपनों की बातें, वो अपनों की खूबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू, वो कोयल व बुलबुल के मीठे तराने, हमारे सिवा इसका रस कौन जाने। ऐसे महाकवि को याद करते हुए जो हकीकत है हिंदी की और हिंदुस्तान की जो भाषाई मौजूदा स्थिति है, इस मौके पे हम सबको इसके बारे में भी बातचीत करनी चाहिए क्योंकि एक अवसर है ये, और जो हमारा सपना होना चाहिए और है वो अपनी जगह पर है। अवतार सिंह पाश ने कहा कि सबसे खतरनाक है पंजाबी कवि, हम सब जानते हैं, सबसे खतरनाक है आदमी के सपनों का मर जाना, तो वो सपना अपनी जगह पर है। संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके जो दस्तावेज मौजूद है उसको उलटने पलटने का मुझको एक बार मौका मिला और हम लोग उसके अध्यक्ष के रूप में बाबू राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं, लेकिन उनके भी पहले जो सबसे पहली उसकी बैठक हुई थी उसमें अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो पटना विश्वविद्यालय के कुलपति थे, पटना में प्रसिद्ध खुदाबख्श खान लाइब्रेरी और सिन्हा लाइब्रेरी, और ये बताया उसके बारे में लिखते हुए लोगों ने कि वो जो बहस हुई और वहाँ जो अंग्रेजी का स्तर था, उसका जो लेवल था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बहस होती थी उस जमाने में उसके समकक्ष था, उससे कहीं कहीं बढ़ के भी था। बाद में चल के जब बाबू राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बने तो उनको जिन लोगों ने मुबारकबाद दी उसमें सारे लोगों ने अंग्रेजी में मुबारकबाद दी, हिंदुस्तानी में देने वाले केवल एक आदमी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। तब से लेके अब तक हिंदी और हिंदुस्तान की दूसरी जो जबान है उसकी हालत पर अगर आप एक नज़र डालें तो बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत जिसको हम कहते हैं वो ज़रा तिलमिला देने वाला है। आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए।
अब आप देखें, पहली बात ये कही गई कि एक है होती है राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, एक है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, और तीसरी जिसकी चर्चा किसी वक्ता ने नहीं की, संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज। विद्यार्थियों को से गुजारिश है कि इसको बिल्कुल साफ साफ समझें, हिंदुस्तान की जितनी जबाने हैं वो सब नेशनल लैंग्वेज है, वो उर्दू हो, तेलुगू हो, तमिल हो, बंगाली हो, उड़िया हो, ये सारी राष्ट्रभाषाएं। राजभाषा और संपर्क भाषा को लेकर विवाद हुआ। गांधी जी का कहना था और सही कहना था उस जमाने में, तमाम तरह के नाम डॉक्टर सेसु बाबू जी ने लिए, जैसे केशव चंद्र सेन, हमारे कई वक्ताओं ने चर्चा की, यहाँ तक कि एक जमाने में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गोपाला स्वामी अयंगार, ये सारे लोगों का ये कहना था कि कठिनाई तो है, दिक्कत है, लेकिन हिंदी को हम रख सकते हैं, अगर अपनी जबान रखनी है, हिंदुस्तानी जबान रखनी है जो रखी जानी चाहिए। और हम में से जिन लोगों ने यूरोप की यात्रा की है, आप देखिए लोग अपनी जबान को लेके बहुत संवेदनशील है। आप क्रोएशिया जाइए, वहाँ की अपनी जबान है, अंग्रेजी भी अंग्रेजी चलती है लेकिन कम चलती है अपनी डच, ब्रसल, वहाँ देखिए डच का कितना इस्तेमाल होता है। हमारे पड़ोस में जो चीन है, खूब अंग्रेजी लोग सीख रहे हैं, बड़े पैमाने पर सीख रहे हैं, लेकिन अपनी जबान अपनी जगह पर है। और 56 तरह की डायलेक्ट्स हैं वहाँ पर, 56, संभव है उससे ज़्यादा भी हो। तो मैंने वहाँ के जो डीन थे फॉरेन लैंग्वेज के, जो हमारे होस्ट थे, उनसे पूछा, इस एक कोने का आदमी, जैसे हार्बिन नाम की एक जगह है जहाँ हमारे विदेश मंत्री जो अभी राष्ट्रपति हैं वो गए थे, तो हार्बिन का आदमी शेंजन के व्यक्ति की भाषा नहीं समझता है और दोनों चीनी कहते हैं। फर्क मित्रों इतना ज़्यादा है कि जैसे कन्नड़ और तेलुगु में फर्क है और हिंदी और मराठी में फर्क है, उस बड़े मुल्क में चीनी कहने पर भी लोगों की बातचीत में ये फर्क है। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रहित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, वी टुक ए पॉलिटिकल डिसीजन, इट्स नॉट लिंग्विस्टिक डिसीजन। ये भाषा विज्ञान और भाषा का जो स्वाभाविक विकास होता है उसके मद्देनजर हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, ये एक राजनीतिक निर्णय है। और हमारे मुल्क को एक रखने के लिए ये जरूरी था, इसलिए हमने कहा कि बाबा तुम कोई भी लैंग जबान बोलो, मैंडरिन आपको आनी ही चाहिए। मैंडरिन नहीं आती है, आपको हवाई जहाज का टिकट नहीं मिलेगा, ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा, रोजी रोटी का कोई प्रबंध नहीं होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। और अंग्रेजी को लेकर जो हीन भावना हिंदुस्तान में है, एक नोबेल लॉरिएट ने मुझसे कहा कि हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो उनके रिलेटिव हों। ये सच्चाई है, बात सुनने में बहुत खराब लगती है, बेचैन करने वाली है, लेकिन ये एक सच्चाई है। तो मित्रों मामला ये है कि लंबे समय से हम लोग उपदेश देते रहे कि सबको तेलुगु भाषा, हिंदी और उर्दू और कन्नड़ मराठी पढ़ना चाहिए, और जो वर्ग उपदेश देता रहा वो खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अभी जो हाल में देख रहा हूँ अपने विश्वविद्यालय में, और यहाँ भी वही स्थिति होगी, आउट हाउस में जो परिवार रहता है जिसका काम है झाड़ू लगाना गार्डन में और घर में मदद करना घरेलू काम में, सर्वेंट क्वार्टर कहने में हिचक होती है, आउट हाउस कहें उसको, उसके बच्चे से आप पूछिए कि नाना एक कड़ा, तो कहेगा माई फादर इज गॉन आउट, छोटा बच्चा, वो तेलुगु नहीं बोलता है, वो तेलुगु नहीं बोलता है, वो हिंदी नहीं बोलता है, वो केवल अंग्रेजी बोलता है।
लॉजिकली आप सोचिए तो इसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि साहब अंग्रेजी बोलेंगे, साहब का बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, और जो सर्वेंट क्वार्टर में या आउट हाउस में रह रहा है वो केवल तेलुगु और हिंदी और मराठी और कन्नड़ बोले, ये तमाशा बहुत दिनों तक चल नहीं सकता है, ये एक वास्तविकता है। अब इसी का आगे विकास आप देखें कि वो जो छोटा बच्चा अभी 5 साल 6 साल का है, बड़े पैमाने पे वो सारी जेनरेशन, वो पूरी पीढ़ी जब बड़ी होगी तब हिंदी कहाँ रहेगी और तेलुगु कहाँ रहेगी और उर्दू कहाँ रहेगी। हमने अपने मतलब आरंभिक जीवन में धर्मस्थानों में देखा, एक आदमी जो उड़िया भाषी है और दूसरा आदमी जो बंगाली भाषी है या मान लीजिए आसाम का है या कश्मीर का है, दोनों आपस में कोई बात करनी है तो टूटी फूटी हिंदी में लोग बात करते थे, ट्रेन में ख़ास तौर से सेकंड क्लास का जो कंपार्टमेंट है स्लीपर का, जिसमें आम जनता चलती है, आप देखें उसमें टूटी फूटी हिंदी में लोग बात करते थे। आज हालत ये है कि हिंदुस्तान का मध्य वर्ग अंग्रेजी में बात करता है एक दूसरे से, लोग अपनी जबान में बात करने में उनको दिक्कत होती है, और भाषा एक आदत है, लगातार अंग्रेजी बोलते बोलते हालत ये है कि जैसे ही कोई गंभीर बात कहनी है लोग अंग्रेजी में उतर जाते हैं। हमने कई परिवारों में देखा, हमारे तेलुगु मित्र हैं, विवाह शादी का मामला चल रहा है तेलुगु में, जब दहेज का मामला आएगा तो अंग्रेजी में उतर जाते हैं। ये एक रियलिटी है और इस हकीकत को हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। कहा गया कि अगर संपर्क भाषा के रूप में अपनी जबान रखनी है तो हिंदी को रखा जाए, और उसके बाद आपको मालूम है राजनीतिक कारणों से दुनिया भर का बावेला मचा और हिंदुस्तान की जो हिस्टोरिकल और कल्चरल जो सिचुएशन है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक, हर मुल्क का एक अपना तरीका होता है, उसका अपना एक गठन है, तो इसमें आप जबरदस्ती कोई चीज़ थोप सकते नहीं और थोपने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए हमारे जो संविधान के निर्माता थे और बाद में जवाहरलाल जी ने ये सारा निर्णय किया, क्योंकि हमारे देखते देखते बगल में पाकिस्तान के विभाजन में दुनिया के बड़े आलोचकों का कहना है कि कई कारण रहे होंगे, एक जबान भी है, कहा कि जबरदस्ती बंगाली भाषा में भाषी को कहा गया कि आप उर्दू मान दिए, कहा नहीं हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी जबान है। उसी तरह से दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जबान को लेके लोग बहुत ज़्यादा बहुत सेंसिटिव, तो ये कहा गया कि भाई अंग्रेजी रहेगी 10 साल के लिए, और फिर उसके बाद अंततः ये माना गया कि अगर कोई विधानसभा 2/3 बहुमत, फिर उससे भी ज़्यादा कहा गया कि सर्वसम्मति से ये पास नहीं कर देती है तब तक हम वहाँ हिंदी को उस रूप में लागू नहीं करें। ये वो स्थिति है जहाँ आज हम लोग हैं, और अब धीरे धीरे अंग्रेजी भी एक भारतीय भाषा है, इसको स्वीकार करना चाहिए। आपका बहुत सारा हिंदुस्तान का हिस्सा है जहाँ जो प्रोविंशियल लैंग्वेज है, जैसे नागालैंड है, अंग्रेजी वहाँ की जबान, साहित्य एकेडमी अंग्रेजी में भी पुरस्कार देती है, अंग्रेजी यहाँ रहेगी, शायद रहनी भी चाहिए। ये शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसको लेके असमंजस में हूँ, लेकिन जो स्थिति है उसमें शायद रहनी भी चाहिए। अब उसमें अपनी जबान के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी जबान के लिए सबसे पहले दिमाग से ये निकाल दें कि कोई कठिन शब्द होता है। हमने नेताओं को खास तौर से देखा है जिनकी कोई हैसियत नहीं है बात करने की जबान के बारे में, कि ये बहुत कठिन है। हम सब भाषा के अध्यापक जानते हैं कठिन शब्द कुछ नहीं है, जो हम नहीं जानते हैं वो कठिन है, जो जानते हैं वो आसान है, कठिन शब्द कुछ नहीं होता है। रजिस्टर,
हमारे जफरुद्दीन साहब बताएंगे, हर भाषा की अपनी एक प्रयुक्ति होती है। रजिस्टर ऑफिस में जो अंग्रेजी में इस्तेमाल की जाती है वो सड़क पर बोलचाल की अंग्रेजी नहीं है। जो रजिस्ट्रार कुल सचिव कार्यालय से जो ऑर्डर निकलता है आप उसकी भाषा देखिए, वो बोलचाल की अंग्रेजी नहीं। अगर वो उर्दू में लिखी जाएगी बोलचाल की उर्दू नहीं होगी, हिंदी में लिखी जाएगी बोलचाल की हिंदी नहीं होगी। वो प्रयुक्ति है, वो रजिस्टर है। संकायाध्यक्ष, क्या ये बोलचाल की भाषा है? लेकिन संकायाध्यक्ष ही सही है, बहुत सारी चीजें बोलचाल की नहीं, सीखने की बात। तो कठिन शब्द अपने आप में एक मिथ है, ये गलत बात है। हाँ, कोई आदमी अगर सूरज को भास्कर कह रहा है तो ये बेवकूफी है। सूरज को भास्कर कहने की जरूरत नहीं है, दिन को दिवस कहने की जरूरत नहीं है, ये सही है। लेकिन जो रजिस्टर है उसको हम बदल नहीं सकते। अब सबसे खतरा जो हमारे जमाने में है वो स्क्रिप्ट पर है, लिपि पर है। अभी कई वक्ताओं ने कहा कि ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का विकास, उसके लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। आप देखें, मैं तो कहूँगा कि वो बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा, वो बदनसीबी होगी कि हिंदुस्तान में हिंदी कम हो और दुनिया के सब देशों में हिंदी पढ़ाई जाए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगा। पहले लोकल होना है, तब ग्लोबल। जो चीज अपने हमारे देश में इस्तेमाल होती हो, संसद में, सरकारी कार्यालय में, सचिवालय में, वो ग्लोबल हो तो बात बनेगी। जड़ पहले होनी चाहिए ना, फुनगी से क्या होता है। और लिपि को लेकर एक बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं निवेदन ये करूँगा कि हम सबको हिंदी, मतलब नागरी स्क्रिप्ट, पढ़ना कम से कम और ज़रूरत हो तो लिखना मालूम होना चाहिए। यही हिंदी दिवस की उपलब्धि हो, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो तेलुगु भाषी हैं, उनको तेलुगु नहीं आती है। पिताजी फौज में थे, कहाँ बचपन कहाँ बीता, किशोरावस्था कहीं बीती, पढ़ाई वहाँ हुई, अंत में आंध्र प्रदेश में आ गए। बोल चाल की थोड़ी तेलुगु आती है, लेकिन कहा कि जब लड़ाई करनी है पिताजी से किसी चीज़ के लिए तो हिंदी में करते, और उनको तेलुगु स्क्रिप्ट नहीं आती है। और ये दूसरी भाषाओं में भी ये स्थिति है। हैदराबाद में पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, जैसे राज बहादुर गौर साहब थे या और केशव राव जी थे, हिंदी महाविद्यालय के प्रिंसिपल, जितनी अच्छी हिंदी उतनी अच्छी उर्दू, टीचर होता है, उसी के तहत वो लिपि बनी हुई है। आप उस लिपि से उसको अलगा नहीं सकते। गिरा रचजल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न, अलग अलग कर नहीं सकते उसको। इसको कालिदास ने कहा, वागर्थ था भी संपृक्त हो वागर्थ प्रतिपत्ते, अलगा सकते नहीं है लिपि और भाषा को। तो ये सुझाव जो प्रोफेसर असगर वजाहत, जो हिंदी के बड़े नावल निगार हैं, उस पर काफ़ी हम लोगों ने बहस की। अंत में उनसे भी कहा गया कि आप जो बात के रोप का उदाहरण देके कहा उन्होंने कि इससे आसानी हो जाएगी, तो बहुत सारी आसान रास्ता बहुत सारा है, लेकिन एक अपना जमीर भी कोई है, कोई चीज़ है। मित्रों, गालिब का एक शेर जो पर्शियन में है, उसमें कहा गया कि धूल की एक कण ने पूछा, क्या मैं सूरज को छू सकता हूं? जवाब आया, कतई नहीं। फिर सवाल आया, क्या मैं अपनी कोशिश जारी रखूं? तो जवाब आया, यही मुनासिब है। तो हम लोग जो हिंदी उर्दू में काम करने वाले लोग हैं, अपनी जबान को लेकर कहीं से भी कोई हीन भावना ना हो, कोई कॉम्प्लेक्स ना हो। अंग्रेजी अपनी जगह पर है, वो भी एक हिंदुस्तान की जबान है, सारा काम उसमें होता है,
हम वो भी जाने, लेकिन अपनी भाषा को लेके अगर एक आदमी मान लीजिए आपके यहाँ ऐसे इलाके से आया है जिसको अंग्रेजी नहीं आती है और उसको अंग्रेजी बोल के दबा देना, इससे इनह्यूमन दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो ये अपनी जबान के प्रति निष्ठा, और जो मैंने निवेदन किया नागरी लिपि पढ़ना अगर हमको आ जाए और ज़रूरत हो तो लिख सकें, यही हमारी उपलब्धि होगी। आपने हमको न्योता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।